प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 371 मरीज, बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने की तैयारी। गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार देगी 4,34,00,000 रुपए का पुरस्कार। 15 अगस्त तक मंगाए गए आवेदन। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा। नियम तोड़ने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। और बिलासपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। छठवें सदस्य की सड़क पर मिली लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 371 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। अकेले रायपुर जिले में ही 205 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6,370 हो गई है, जिनमें 4,387 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,949 पहुंच गई है, जबकि कोरोना से अब तक प्रदेश में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को रायपुर के अलावा कवर्धा से 34, कांकेर से 20, मुंगेली से 18, राजनांदगांव से 17, जांजगीर चांपा से 12, बस्तर से 10, बिलासपुर से 6, दुर्ग से 5, नारायणपुर और गरियाबंद से 4-4, कोरिया से 3, जशपुर से 2, दंतेवाड़ा और बीजापुर से 1-1 मरीज चिन्हांकित किए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए अब प्रदेश में भी दिल्ली की तर्ज पर बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को डॉक्टरों की निगरानी में होम आइसोलेशन पर रहने की अनुमति दे दी गई है। दुर्ग जिले में ट्रायल बेस पर आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। दुर्ग में सफलता मिलने पर अन्य जिलों में भी इसकी अनुमति दी जाएगी। राज्य कोरोना कंट्रोल एंड डिमांड डेस्क के PRO डॉक्टर सुभाष पांडे ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर होम आइसोलेशन का विकल्प निकाला गया है। दुर्ग में ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर घर में कोविड केयर सेंटर जैसा आइसोलेशन विकसित किया जा सके कि जो पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, लक्षण बिना लक्षण वाला मरीज है, उसके आने जाने, उसका आने जाने का रास्ता, उसका एंट्री एग्जिट घर के अन्य लोगों से पृथक हो, उसका दिनचर्या की जो बाथरूम, लैट्रिन, बेडरूम, टॉयलेट ये सब अलग हो, उसका किचन अलग हो, और उसको सेवा देने वाला व्यक्ति उसके जो आने जाने का रास्ता है जहाँ एक ही एंट्री है वहाँ पर उसके भोजन की है उसकी आवश्यक सामग्री रख दे जिससे वो उसका उपयोग कर सके। इस तरह की व्यवस्था एक इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर जैसी डेवलप करके प्रयास किया जा रहा है कि इसमें कितनी सफलता मिलती है। तो संपर्क को अवॉइड करते हुए, संपर्क न करते हुए घर में मरीज को आइसोलेटेड रखते हुए जो व्यवस्था की जा रही है इसका एक प्रयोग दुर्ग जिले में किया गया है। फिलहाल ज़्यादा तो नहीं लेकिन सिर्फ 1-2 घरों में ये व्यवस्था आरंभ हुई है। जिनके घर उसके उस मुताबिक बने हुए हैं वहीं पर ये व्यवस्था की जा रही है और इसमें यह देखा जाएगा कि इस प्रयास में कितनी सफलता मिलती है, तत्पश्चात ही इसे आगामी बड़े शहरों के लिए लागू किया जा सकता है। वहीं दुर्ग जिले में BSF जवान की मौत के बाद अब BSF अपने जवानों के इलाज के लिए 100 बिस्तर का आइसोलेशन सेंटर विकसित कर रहा है। BSF के महानिरीक्षक JSND प्रसाद ने बताया कि जवानों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। एक डिसीशन लिया गया है कि जिसकी तहत हमको कहा गया है कि एक क्वारंटाइन एक कोविड सेंटर बनाया जाए जहां पर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को रखा जाएगा।
सिर्फ सिम्टोमेटिक को ही हम आगे जो भी बना हुआ है सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के वहाँ पर एडमिट करेंगे। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं टेस्ट के बाद उनको वहाँ पर रखा जाएगा। अभी वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में अब तक 12,38,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से कुल 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन द्वारा 4,34,00,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। लोगों में स्वच्छता, स्थायित्व, समुदाय की सहभागिता और साफ सफाई की आदतों को प्रेरित करने के लिए 15 अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन पुरस्कारों के लिए चयनित ग्राम पंचायतों और प्रतिभागियों को गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को पुरस्कृत करेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के तहत 15 श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुले में शौच मुक्त हो चुके गांवों में स्थायित्व बरकरार रखने और लोगों में साफ सफाई की अच्छी आदतों को प्रेरित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रतिभागियों के बीच इन पुरस्कारों के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की आदतों और व्यवहार में दीर्घकालिक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वस्थ भारत मिशन के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है। मिशन द्वारा इस प्रोत्साहन से ग्रामीणों में स्वच्छता की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने और उसे लगातार बनाए रखने की जागृति पैदा होगी। इस पुरस्कार के तहत स्वच्छ सुंदर शौचालय के विजेता को 5,001 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर 10-10 हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। वहीं स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के लिए पुरस्कार जिला और राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। जिला स्तर की विजेता ग्राम पंचायत को 21,000 रुपए और राज्य स्तर की विजेता पंचायत को 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इन पुरस्कारों के साथ प्रदेश के एक जिले को 1,00,000 रुपए का स्वच्छता स्थायित्व पुरस्कार, 3 विकास खंडों को 50-50,00,000 रुपए और 5 ग्राम पंचायतों को 20-20,00,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इन सभी पुरस्कारों के लिए आवेदन 30 जुलाई से 15 अगस्त तक मंगाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। जिला प्रशासन ने बिलासपुर में 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान दूध, राशन, किराना, सब्जी, अंडे और मटन की दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। साथ ही ऑटो रिक्शा और अन्य परिवहन सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। जिले के एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इधर अंबिकापुर शहर में भी 28 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान नगर निगम सीमा क्षेत्र के 48 वार्डों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यहां पर जरूरी सेवाओं की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। जिले के एसडीएम अजय त्रिपाठी ने बताया कि पहले की तुलना में इस बार लॉकडाउन में और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। शहर में 10 टीमों को पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। अंबिकापुर में COVID-19 के संक्रमण जो बढ़ रही थी उसके रोकथाम के लिए माननीय कलेक्टर सर के द्वारा 1 सप्ताह के लिए सभी तरह की बंदी का आदेश दिया गया है। यह बंदी 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक रहेगा तथा बंदी में इस बार पहले की तुलना में ज़्यादा सख्ती अपनाई गई है। इसमें आवश्यक वस्तुओं के लिए सुबह 6 से 10 तक का ही समय दिया गया है। इसको पूरी तरीके से कारगर करने के लिए कलेक्टर महोदय ने 10 टीम बनाए हैं। वो 10 टीम लगातार पूरे शहर में दौरा कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर लोगों को जुर्माना कर रहे हैं, दांडी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एनटीपीसी संयंत्र के साथ मैत्री महिला समिति ने एनटीपीसी के आवासीय परिसर को प्लास्टिक फ्री बनाने की मुहिम शुरू की है। महिला समूह द्वारा कॉलोनी के लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का सुझाव दिया जा रहा है। साथ ही कॉलोनी में इकट्ठा होने वाले प्लास्टिक के सामानों को भाटापारा के अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में भिजवाया जा रहा है। एनटीपीसी के AGM SK सनबर्ड ने बताया कि पिछले 4 महीने से ये मुहिम चलाई जा रही है।
विगत 4 महीना से ये कार्यक्रम शुरू है और हम लोग करीब अभी इकट्ठा कर लिए हैं, करीब 1000 बैग इकट्ठा कर लिए हैं और ये सारे बैग को हम लोग अंबुजा सीमेंट को भेजेंगे, जहाँ ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में को प्रोसेसिंग होगा। को प्रोसेसिंग में वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी यूज होता है, जिसमें कि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उससे उसको क्लीन में जलाकर उससे एनर्जी लिया जाएगा, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा और साथ साथ एनटीपीसी कोरबा को हम लोग प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं। तो हम लोग अभी 15 अगस्त से पहले एक ट्रक भेजेंगे और पूरा टाउनशिप को, एनटीपीसी कोरबा प्लांट को हम लोग प्लास्टिक फ्री करेंगे। महिला समूह की देव प्रिया ने बताया कि संयंत्र के सहयोग से ये काम किया जा रहा है, इसमें लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और हमारे साथ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट मिल के सब 4 महीना हो गया, सबके घर से कलेक्ट कर रहे हैं, माने गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग कर रहे हैं। तो फिर जो प्लास्टिक जो हो रहा है वो इधर ला रहे हैं और इधर से इस छाट के ये हमारा पूरा बोरी में बांध के जाएगा, भाटापारा जाएगा, वहाँ अंबुजा सीमेंट है। वो बताया गया है कि पिछले 4 महीने से कॉलोनी की वेस्ट प्लास्टिक को 1000 बोरियों में रखा गया है, जिसे 15 अगस्त को अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री भेजा जाएगा, जहां पर प्लास्टिक से बिजली तैयार की जाएगी। गुरुवार को हुई तेज बारिश से कोरबा के एसईसीएल खदान में मिट्टी धसकने से एक मजदूर लापता हो गया है, जबकि 5 मजदूर हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। बताया गया है कि एसईसीएल के कुसमुंडा खदान में यह हादसा सुबह 6:30 बजे से 7 के बीच हुआ। श्रमिकों द्वारा खदान से पानी निकालने का काम किया जा रहा था, तभी खदान की मिट्टी धसक गई, जिससे खदान में काम कर रहे सुरेश दास महंत नाम के श्रमिक पानी और मिट्टी के बहाव में बह गए, जबकि अन्य श्रमिक बाहर निकल गए। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम लापता श्रमिक की तलाश कर रही है, लेकिन 24 घंटे बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। नया थाने बिलासपुर में एक युवक ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। वारदात के बाद भागते समय सड़क हादसे में उसकी भी मौत हो गई। क्षेत्र के डीएसपी प्रवीण राय ने बताया कि घटना सीपत थाना क्षेत्र के मटियारी की है, जहां पर सूर्यवंशी परिवार के 6 सदस्य रहते थे। उसमें से एक युवक मानसिक रूप से बीमार था, जिसके द्वारा अपने माँ बाप, 2 भाई और बहन की हत्या करने की बात कही जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि घटना के बाद भागते समय वो सड़क हादसे में शिकार हो गया। ये यहाँ पर मटियारी गांव के, इसमें एक सूर्यवंशी परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक लड़के ने, जिसका नाम, इस परिवार का जो बड़ा लड़का है रोशन, जो दिमाग से कुछ कमजोर था और नशे का आदी था, उसने रात में करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में अपने परिवार के सारे सदस्यों के, जिसमें उसके पिता रूपदास सूर्यवंशी, उसकी माँ, उसका मंजला भाई, छोटा भाई तथा एक बहन, इस तरह से उसने 5 लोगों की हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों से पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली जा रही है और साथ ही वारदात के कारणों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 371 मरीज, बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने की तैयारी। गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार देगी 4,34,00,000 रुपए का पुरस्कार, 15 अगस्त तक मनाए गए आवेदन। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा, नियम तोड़ने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। और बिलासपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, 6वें सदस्य की सड़क पर मिली लाश। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।